अब हकीम फहीम साहब, बस आपको दावत दूंगा फ्रॉम कराची, या कराची से स्पेशली तशरीफ लाए हैं और ये माँ जहब बनाना यानी सोने को जो बनाने जा रहे हैं। نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي خلق الانسان من علق محترم دوستو ابھی جس طرف ہم جا رہے ہیں اس کو ماؤ ذہب یعنی سونے کا پانی کہتے ہیں یعنی سونے کو ہم نے پانی میں تبدیل کرنا ہے اس کے حیض کو تبدیل کرنا ہے کشتے کا مطلب یہی ہوتا ہے پلٹنا مارنا और इसमें भी हमें सोने को मारना है लेकिन तेजाब से मारना है ठीक है जनाब ये काम किस आता है ये किसके आता है ये शुगर के लिए बहुत मुफीद है मुफ्त आजा वाले भी बैठे होंगे नजरिया वाले साथी भी बहुत अच्छी तरह समझ लेंगे कि आसाब में आसाबी नब्स में ये नब्स मिली ही नहा उसको कहते हैं आसाबी नब्स उसके लिए कुव्वत बाह का भी काम करता है और शुगर के लिए भी काम करता है फिर इसी तरह उजलात में ये मुनकबिजुल मिजाज हो जाता है यानी कब्ज हो जाती है उसके लिए कोई मुलजन साथ दे दे नब्ज के मुताबिक मुलजन फाइफ दे दे खुद्दी में काम नहीं करेगा ये ठीक है जी तो बाकी इंशाल्लाह जिस वक्त मैं हाजिर होऊंगा तो फिर बाकी पेश कर दूंगा आप लोगों के सामने है इसे आप देख सकते हैं सारे भाई ये। और ये गंधक का कायमुल नार तेल है जो आग पे भी तेज रहता है और ठंडा होने के बाद भी तेज ही रहता है इसी तेल के अंदर इंशाल्लाह ये रस्क बोर पकाएंगे और सुर्ख रंग या कूती कलर की ये मोम है आप अपने अपना प्रोसेस बताएं ताकि ये देखें ये टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं इनको डालूंगा ये दाने जो हैं ये देखें ये रस्तपुर मैंने टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया आप दो तोले तक इसमें डाल सकते हैं और दो तोले ही गंधक का तेल डलेगा ये दो तोले रस्तपुर डाला है और अब इसमें फहीम साहब दो तोले जो है वो गंधक का तेल डाल रहे हैं फहीम साहब इसमें कुछ एहतियातें भी हैं ये भी हमारे जो तालिब इल्म साथी हैं उनको बताइए कि इसमें कोई एहतियातें भी हैं टिक्की तो ला दे हलड़े नहीं ऐसी कोई एहतियात नहीं बस इस पर ये अभी मैं इसके अंदर ये रेत डाली हुई है बर्तन में और ये मैं इसमें लगा रहा हूँ रेत यंत्र का नहीं इसका मुंह इसका खुला रहेगा ऐसे ही ओ शहर से खड़े हो गए थोड़ी देर बाद अब इसको आग लगा के तो उसके ऊपर रखेंगे स्टोव पे जी एक एक चोटी आग रखेंगे जिसे एक काने की आग कहते हैं एक चोटी दो घंटे पकाएंगे इंशाल्लाह तैयार हो जाए एक चोटी आग की वजाहत कर दें तालिबे इल्म में एक चोटी चोब कह रहे हैं लकड़ी को उंगली सी मोटी लकड़ी हाँ एक खाने की जितनी होती है ना आम खाना जो पंजाबी कहते हैं ये नहीं पता थे बाहर उगे होने के लिए पैक ले आए यार थोड़ा सा अपना माहौल गर्मी है ना आप थोड़ा सा हंसेंगे खुश होंगे इनको दाद देंगे तो आपका माहौल जो ना वो बेहतर हो जाएगा अगर आप बूढ़े होकर मैं आपकी तरह माल रहे चाहता हूँ मेरे अंकल बैठे हुए हैं तो करें सामान की तैयारी शुरू करें एक तोला फास्फोरस लेना है लिख ले भाई लिख ले नोट कर ले एक प्याले यानी प्याली उसके अंदर फास्फोरस दाने करके डाल देना है चार ग्राम नशातक ठीकरी कच्चा ही पीस के उसके ऊपर डाल देना ऊपर ढक्कन दे के 21 दिन के लिए रख देना
21 दिन में फास्फोरस तेल हो जाएगा। बस वो कोई सा हो, दर्द हो, सुख हो, फास्फोरस होना चाहिए जी। पानी वाला के मिट्टी के पानी वाला मिट्टी के तेल में सोडियम मेटल होता है, फास्फोरस मिट्टी के तेल में नहीं रखा जाता। हाँ जी हाँ जी, ज्यादा सफेद हो पानी में रखा जाता है। तो ये पानी वाला फास्फोरस लेना है, उसको एक तोला दाने करके प्याली में डालें, ऊपर 4 ग्राम नुशादा डालकर ढक्कन दे के रख दें। 21 दिन में फास तेल हो जाएगा। जब तेल हो जाए तो उसके ऊपर एक तोला उसके ऊपर काफूर डाल दें, उसी तेल के ऊपर काफूर धोल दें एक तोला ऐसे ही, और फिर ढक्कन देकर 11 दिन के लिए रखें, काफूर भी तेल हो जाएगा। पाउडर पाउडर तो इस काफूर और फास के तेल से आपने एक तोला सिंबल फास संख्या सफेद, ये आम बलोरी ले सकते हैं बाजारी, एक तोला सिंबल फार खरल करके चंद कतरे फास और काफूर के तेल के खरल करके रेत के अंदर तशबिया देना है प्याली में, 0 की काने की आग। इसी तरह फिर उसे उठाएं, 10 मिनट का तशबिया लगाकर फिर उसे खरल करें तेल से, फिर तशबिया दें। 5वें 6वें तशबिये में सिंबल फार मोम हो जाएगा। उस मोम में फिर आपने एक तोला रस्कफूर खरल कर देना उसी सिंबल फार की मोम के अंदर, फिर तेल के कतरे लगाने हैं, फिर 6 तशबिये देने हैं तो रस्कफूर भी मोम हो जाएगा। फिर उसमें एक तोला दार चिकना ऐड कर दें। इसी तरह से 6 तशबिये और लगाएं तो ये रस्कफूर, दार चिकना और संख्या की मोम बन जाएगी। 2 ग्राम मोम एक तोला नीला की डली के ऊपर लेप करें और बंद करके गैलिक मत करके आधा किलो की बेदूध ओपलों का भड़का निकाल कर बेदूध आग दें, नीला सफेद बेजंगार और बाग करंट होगा। उस एक तोले नीले को 5 तोला गंधक आपने आग पे रेत अंतर प्याली में पिघला लेनी है। जब गंधक पानी हो जाए तो 2 ग्राम नीला की चुटकियां देनी है और शीशे की सलाख फेरनी। जब वो हल हो जाए तो ठंडा कर लें, ये जम जाएगी गंधक। इसको फिर खरल करें, 2 ग्राम नीला दोबारा से पिघला कर फिर ऐड करें, फिर वो हल हो जाए, फिर इसको ठंडा करें, ये थोड़ी नरम हो जाएगी। इस बार इसको 10-20 मिनट खरल करके फिर तशबिया लगाएं, 2 ग्राम फिर नीला ऐड करें, 2-2 ग्राम करके 5 तशबिये लगाएंगे तो 5वें तशबिये में गंधक मोम हो जाएगी सुर्ख रंग की। इसको प्याली में आप रखें, 1-2 दिन में खुलकर तेल हो जाएगा, नीला काले रंग का स्याह रंग का नीचे बैठ जाएगा। इसको रुई की बट जैसे दिए की बट होती है बनाकर उसका मुकद्दर ले लें, मुकद्दर में नीला जो है वो नीचे आ जाता है, मुकद्दर में जो नीला है वो नीचे बैठ जाएगा, पीछे रह जाएगा गंधक का फुजला पीछे रह जाएगा, और इसी तरह का ये सुर्ख रंग का नफीस तेल आपके पास आ जाएगा, जो आग पर भी तेल है और नीचे भी तेल है, कायमो नार और जारी तेल। इस तेल में फिर आप देख रहे हैं कि रस्कफूर डालें टेस्ट ट्यूब में, तेल डालें रेत के अंदर रखें और एक खाने की आग 2 घंटे पकाएं। पहला घंटा जो है वो 1 चोटी आग होगी, दूसरा घंटा 2 चोटी आग रखेंगे, उसके बाद हमने चूल्हा बंद कर देना है और गंधक ऊपर से तेल उतार लेना है, बाकी जो है उसको पानी से गुसल देंगे। इंशाल्लाह यकूती कलर का रस्कफूर तैयार होगा, मोमिया होगा, अक्सीरी होगा, काया कल्प होगा। ठीक है जी।